सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सर बैक विद द लेटेस्ट वीडियो। तो गाइस, आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए गेम लेकर, और इस गेम का नाम है पोकेमोन एमएमओ या फिर पोके एमएमओ। आपने इस गेम का नाम पहले सुना होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही ग्रेट गेम है। इसमें आपको कैंटो, जोटो, होएन, सिनो और उनोवा तक के सारे रीजन्स और पोकेमोन मिल जाएंगे। इस गेम को आपको खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इनमें आपको उन गेम्स की स्टोरी लाइन भी मिलेगी। तो ज़्यादा ना बरबर करके आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। गेम को डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हो या फिर आप स्किप करते हो वीडियो को, तो आप गेम को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और अगर कर भी लिया तो आप नहीं खेल पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले तुमको सर्च कर लेना है पोकेमॉन, सॉरी पोकेमॉन नहीं, पोकेमो PokeMMO, इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर या कोई और ब्राउजर जो तुम इस्तेमाल करते हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसा एक आ जाएगा, तो उसके मेन वाले वेबसाइट पर तुम्हें क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर तुम्हें जो है रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। तो मैं अभी रजिस्टर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से मिलूंगा। गाइस, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ होम, डाउनलोड, अकाउंट, फॉर्म कुछ ऐसा मिलेगा, तो आपको डाउनलोड में चले जाना है। तो डाउनलोड में जाने के बाद ऐसा एक मिलेगा, अगर आप विंडो के लिए चाहते हैं तो आप विंडो के लिए कर सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए मैं करूँगा। अगर आप किसी अलग प्लेटफॉर्म में खेलते हैं जैसे कि मैक है, लिनक्स है, पोर्टेबल जिप है, किसी के लिए भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है अपने एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पे, तो एंड्रॉइड वाले ऑप्शन में मैं चला गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड एपीके करके, तो इसे आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये 64 MB का है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड एनीवे, तो इसे मैं डाउनलोड होने देता हूँ। तो गाइस, ये अभी डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड के बाद आपको इसे जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे जेड ड्राइवर पे जाके ऑलवेज तो इस पर क्लिक करना है। ऐसा एक मिलेगा पोकेमो, पोकेमो क्लाइमेट एपीके करके मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो सॉरी, गलती से वो व्यू पर क्लिक हो गया और वो खुल गया था। तो ऐसा एक एपीके आपको मिलेगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपका जो गेम है वो भी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो इसे इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है ओपन होने में। और ये जो गेम है, जैसा कि मैंने बोला है कि इसमें आपको बहुत सारे रीजन्स मिलेंगे, इसके लिए आपको जो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट, पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की जो रोम है वो आपको जरूरत पड़ेगी। मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं अभी इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, जो ये वाला पार्ट है मैं आप लोगों को पहले दिखाना भूल गया, तो अभी दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सारे रोम्स की जरूरत पड़ेगी, और उन सारे रोम्स की लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वो एक एक फाइल होगी जिसमें आपको सारे रोम्स मिल जाएंगे। ये कुछ 230 MB का होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट होने देता हूँ। उसके बाद आपको एक ऐसा फोल्डर मिल जाएगा रूम्स करके, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे आपको फोल्डर मिल चुका है। एक पोकेमॉन ब्लैक वर्जन, एक व्हाइट, यहाँ पे पोकेमॉन प्लेटिनम, पोकेमॉन सोल सिल्वर, उसके बाद यहाँ पे पोकेमॉन फायर रेड, पोकेमॉन एमराल्ड, सारे यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। तो उसके बाद आपको जो अपना गेम ओपन कर लेना है। असल में ये एक लॉन्चर है, तो ओपन करने के बाद ये फिर से लोड दे रहा है। तो ऐसा एक आएगा, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है पोकेमॉन ब्लैक वाइट रूम, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको भी उसी फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपने रखा है। तो मैंने रखा था डॉक्यूमेंट्स में जाके, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं अभी ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा प्लीज वेट। फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको अगर आपके मोबाइल में कोई एसडी कार्ड है उसका नाम मिल जाएगा, और आपके डिवाइस का नाम मिल जाएगा। तो आपके डिवाइस वाले में जाना है, फिर जहाँ पे आपने रखा है जाना है, उस वाले फोल्डर को ढूंढ लेना जहाँ पे आपने रखा है। तो जैसे कि मैंने बोला था मैंने पोके एमएमओ में रखा था, तो मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है पोके एमएमओ। उसके बाद यहाँ पे मुझे रूम्स वाला फाइल मिल चुका है, यहाँ पे मुझे सारे रूम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लेना है पोकेमॉन व्हाइट वर्जन या ब्लैक वर्जन, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं व्हाइट वर्जन से जा रहा हूँ, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका रूम है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा आएगा, वुड यू लाइक टू कॉपी द रूम टू पोकेमॉन ऐप स्टोरेज, यस पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है फाइल है वो यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ये एक बार कॉपी हो जाए तो आप जाके जहाँ पे आपने डाउनलोड कर रखा था वहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके स्टोरेज में ये सेव हो जाएगा। तो आपको इसकी कोई और टेंशन नहीं होगी। तो मैं इसे यहाँ पे आने देता हूँ। आने के बाद एक एक करके आप सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ। वेट, मुझे एक बार फिर से देख लेना होगा मैंने किस पे क्लिक किया था। शायद वहाँ पे अभी मुझे फिर से देखना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए अभी फायर रेड का रूम। आप एक एक करके ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप उन्हें बिना डिलीट करे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फायर रेड का चाहिए, तो यहाँ पे फायर रेड का रूम है। तो अगर मैं अगर आप चाहते हो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको आप उन वाले फाइल को डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप ये डायरेक्ट आपने जहाँ पे रूम रखा है वहाँ से एक्सेस लेगा। तो मैं नो पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाकी को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से देखना भूल गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट है पोकेमॉन एमराल्ड का, तो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो एमराल्ड का है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और आपका जो पोकेमॉन एमराल्ड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। मैं बिना मतलब के क्यों क्लिक कर देता हूँ यार। तो एमराल्ड के बाद अभी चाहिए हमें पोकेमॉन प्लैटिनम। तो अभी हमें पोकेमॉन प्लैटिनम को इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद हार्ड गोल्ड और सोल सिल्वर के रूम को हम इंपोर्ट कर देते हैं। सोल सिल्वर जैसे यहाँ पे है, तो हमारे सारे जो फाइल्स है वो अभी इंपोर्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको जो है ऊपर के क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको ओके ओके क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको फिर से अपना गेम जो है ओपन कर लेना है। तो हमें इसे ओपन करने होने देना है। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है।
तो यहाँ पे ये फिर से कुछ लोड लेगा, कुछ 192 MB का एक लोड लेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर एक डिवाइस पे आपको अवेलेबल मिलता है और आप आराम से इसे खेल पाएंगे और इसमें खेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको मिनिमम एंड्रॉइड 5.0 लगेगा, इसके ऊपर है तो बहुत अच्छा होगा। आजकल ज़्यादातर डिवाइस में एंड्रॉइड 5.0 से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे जो है हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। मैं पहले थोड़ा वॉल्यूम को कम कर लूँ। तो यहाँ पे आपको वही वाला यूज़र नेम देना है जो कि आपने दिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दिया था अपना असली नाम मैंने डाला था, और उसके बाद आपको जो है पासवर्ड दे देना है। तो मैंने अपना पासवर्ड भी दे दिया, अभी रिमेंबर मी में करके लॉगिन कर लेना है। तो यह आपको लॉगिन करवा देगा। सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत डाल दिया शायद से, तो मैं अभी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लोगे ऐसा ही आएगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना और आपका जो गेम है अभी लोड होगा और न्यू कैरेक्टर पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को चूज़ कर पाएंगे, तो स्किन टोन वो आप जैसे चूज़ कर लीजिए। ये ठीक है, मैं यहाँ पे हेड हेड शायद अभी नहीं दे सकता। ग्रे आइज फेस ना, ठीक है। तो टी शर्ट बूट्स शूज़ बैक तो कुछ नहीं है। तो अभी मुझे हेयर कलर शायद यहाँ पे चूज़ कर नहीं सकते। हाँ कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर ब्लैक, ठीक है। कलर ब्लैक चूज़ कर दिया। टी शर्ट का कलर मुझे चाहिए रेड, पैंट्स का कलर चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो अभी अपने कैरेक्टर का नाम 420, तो अभी इसे सेव कर दो। 2 से 16 कैरेक्टर्स के बीच, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, शायद कोई ग्लिच हो रहा है मेरे साथ। मैं अभी कैरेक्टर को भी सिलेक्ट करूँ, कैरेक्टर को चूज़ कर लिया जो कि अभी मैंने बनाया। तो इस पर आपको क्लिक करना है जो आपका गेम है अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपना जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको थोड़ा गेम प्ले दिखा देता हूँ, और ये बहुत ही मस्त गेम है जैसा कि मैंने बोला था। यहाँ पे आपको सारे रीजन मिल जाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल करके ये आपके लो एंड डिवाइस में भी चल जाएगा। तो यहाँ पे बैग, पता नहीं मैंने कहाँ पे क्लिक कर दिया। बैग में जाके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री डॉट पे क्लिक करके आपको बैग मिलेगा। और अभी शायद हमें जैसा कि स्टोरी में होता है वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे प्रोफेसर रुकाएंगे भाई, ये बहुत ही ग्रेट गेम है, आपको ज़रूर से मज़ा आएगा ये खेलकर। यहाँ पे मुझे अभी स्टार्टर्स मिलेंगे, ओके। तो मैं एज यूजुअल बल्बसॉर को चूज़ करूँगा, क्योंकि हमेशा मैं बल्बसॉर को चूज़ करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं चूज़ नहीं कर पा रहा। वो मैं बी पे दबा रहा हूँ, सॉरी। तो चार्मेंडर नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, मैं बल्बसॉर, ये तो स्पॉटल है, नहीं चाहिए। हाँ भाई बल्बसॉर, यस आई वॉन्ट बल्बसॉर। तो अभी ये जाके चार्मेंडर लेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटल होने वाली है, इसका बैटल एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ज़रूर आपको खेलने से मज़ा आएगा, क्योंकि ये गेम इतना मज़ेदार है। आई चार जिसे आता है टैकल, टैकल और वन जीत जाता है, ये अच्छी बात है। अभी नहीं समझ पाऊँगा, शायद से काम कर जाएगा वन जीत। चार मिनट बोलो, सबसे ज़्यादा फास्ट है, ये तो प्रॉब्लम है। तो भाई अपने हमने चार मिनट करा दिया। तो गाइस आज का वीडियो रखते हैं यही तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।